एक दिन मैं लासानी सरकार के आस्थाना शरीफ पर हाजिर था और उन दिनों मेरी दम की ड्यूटी थी वहाँ पर। तो एक डॉक्टर साहब तशरीफ लाए लाहौर से, उनका नाम था डॉक्टर अमीन रब्बानी साहब। वो मीयू हॉस्पिटल में सर्जन थे और उनका शोभा था जिन बच्चों के सर बढ़ जाते थे उनके ऑपरेट करके उनको वो नाली डालते थे पानी निकलने के लिए। तो उनकी अपनी बेटी का सर बढ़ गया, तो उस वक्त जारी बात है बेटी छोटी सी थी, तो उनका दिल की वो कैफियत ऐसी थी कि भी उसका ऑपरेट करने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो घर वालों ने उनको मशवरा दिया कि आप एक दफ़ा लासानी सरकार का हमने बड़ा नाम सुना है, तो आप उनके फैसलाबाद शरीफ उनके आस्थाने पे एक दफ़ा हाज़िरी दे आते हैं तो शायद अल्लाह ऐसे ही करम कर दे। तो वो हाज़िर हुए, तो जब मेरे साथ उनकी बात हुई तो वो उसमें उन्होंने कुछ मेरे साथ बहस भी की। उन्होंने कहा जी मेरा ज़हन नहीं मानता, मैं इस चीज़ को मेरा दिमाग तस्लीम नहीं करता, मुझे पता है कि जब किसी सर के सर में पानी बढ़ जाता है तो उसके निकलने का रास्ता नहीं है, तो हम एक नाली डालते हैं जो दिमाग से उसके जा के मैदे में डालते हैं और वो फिर जैसे जैसे बच्चे का कद बड़ा होता रहता है तो वो बार बार ऑपरेट करके उसकी नाली का साइज़ बड़ा करना पड़ता है, तो ये बार बार ऑपरेट उसके होते हैं, तो उसके बगैर इसका कोई हल नहीं है। तो ये मुझे घर वाले कह रहे हैं कि भाई इसका काफ़ी सारा फूल गया था उसका सर ना, वो जैसे पानी उसमें काफ़ी ऐसे वो जैसे हलाते थे ना तो ऐसे छल महसूस होती थी पानी, जैसे उसके अंदर ऐसे एक छल की तरह पानी तैरता था, जैसे गुब्बारे की तरह उसका वो फूला हुआ था सर ना। मन्नत लिखवा के वो फिर लासानी सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए, लासानी सरकार से दुआ के लिए अर्ज़ की। तो उस डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मेडिकल साइंस हमारी नहीं मानती कि ये चीज़ ठीक हो सकती, क्योंकि वो पूरा गुब्बारे की तरह ये बच्चे का सर फूला हुआ था, तो अगर इस पर कोई भी चीज़ लग गई तो इसका ये हो सकता है पानी सारा निकल जाए, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो और जो इनके सीनियर, वो उन्होंने बताया कि मेरे एक दोस्त और भी हैं जो सीनियर डॉक्टर हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि इस बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन बीवी मेरी उसकी दिल बहुत कमज़ोर है, उसकी माँ है, तो उसने कहा जी मेरी ममता ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है आपकी मेडिकल साइंस इसको कबूल नहीं करती, लेकिन आप एक दफ़ा लासानी सरकार के पास चल के तो देखें, क्या पता अल्लाह ताला ऐसे ही हमारा मसला हल फरमा दे और हमारी बच्ची ठीक हो जाए। तो वो फिर जब क़िबला लासानी सरकार ने दुआ फरमाई तो फिर अगले हफ्ते जब आए तो उन्होंने बताया कि काफ़ी पहले से बेहतर फाका हुआ है, उसके बेहतरी आई है, फिर हाजिर हुए, फिर उन्होंने कहा कि पहले से बेहतर है। और फिर जब तीसरी दफ़ा शायद वो आए तो उन्होंने कहा कि हम अब मन्नत अदा करने आए हैं, तो लासानी सरकार ने फरमाया कि वो कहाँ है बच्ची, उन्होंने कहा जी वो खेल रही है। तो वो माशाल्लाह उसकी बच्ची का सर बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक हो चुका था। और फिर उन्होंने इस बात का कहा कि जी मैं तो ज़ारी बात डॉक्टर हूँ और डॉक्टर जो है वो साइंस इस चीज़ को मानती नहीं है, लेकिन इस वाक़े के बाद मेरा बिलीव जो है वो रूहानियत पे और ज़्यादा पुख्ता हो गया।